कपालभाति हमने किया, मूलाधार से लेकर के सस्रार तक हमारी अंतःशक्तियां जाग उठती हैं और लाभ द बेनिफिट्स ऑफ योग, तो योग के अनंत लाभ हैं। मैंने प्रारंभ में कहा अनंत पहलू हैं योग के, देयर आर अनलिमिटेड एस्पेक्ट्स ऑफ योगा, अनलिमिटेड बेनिफिट्स ऑफ योगा, अनलिमिटेड अचीवमेंट्स ऑफ योगा। कपालभाति पूरा हो गया, रोज करना है 10-15 मिनट। अब बाह्य प्राणायाम करते हैं 3 बंद के साथ। लंबा गहरा श्वास लेना, कैसे, ऐसे देखो, फिर छोड़ दिया, 3 बंद। आपने भी किया ना सबने, ऐसे पेट अंदर जाना चाहिए। अब सारे डॉक्टर्स कहने लगे हैं, ये डॉक्टर नॉलेंजो, डॉक्टर खालसा, हमारे अमृत सूर्यानंद जी, सारे हमारे डॉक्टर्स, डॉक्टर सरलेटालिस नवीन जी, सारे कहने लगे हैं कि भाई ये जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। सब बहुत अच्छे हैं आप, लेकिन आप तो अच्छे हैं, लेकिन आपका बढ़ा हुआ पेट अच्छा नहीं है। आप तो अच्छे हैं, लेकिन ये बढ़ा हुआ वेट अच्छा नहीं है। यार ये डिवाइन सोल, बट द लार्ज टमी, दिस इज नॉट गुड। द ओवरवेट, दिस इज नॉट गुड। यू आर गुड, यू आर फाइन, यू आर डिवाइन, बट डिजीज आर नॉट डिवाइन। आप तो डिवाइन हैं, डिजीज आर नॉट डिवाइन। इसलिए डिजीज फ्री लाइफ, फैट ओवरवेट, फैट फ्री लाइफ, वेट फ्री लाइफ, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बीपी, शुगर, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, एंजाइटी, इंसोम्निया, दीज आर द नॉन कम्युनिकेटिव डिजीज। और डॉक्टर लॉरेंजो, योग ओनली नॉट फॉर नॉन कम्युनिकेटिव डिजीज, कम्युनिकेटिव डिजीज के लिए भी योग है। आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, नो कफ, नो कोल्ड, और नो डेंगू, नो चिकनगुनिया, नो स्वाइन फ्लू, नो टीबी, दीज आर द कम्युनिकेटिव डिजीजेस। मुझे पूरे देश के लाखों करोड़ों मच्छरों ने काटा होगा अलग अलग जगह, लेकिन मुझे एक बार भी कोई फीवर नहीं हुआ, कम्युनिकेटिव डिजीज भी नहीं हुई। अरे डेंगू चिकनगुनिया इन कोई मच्छरों से मेरी मित्रता है, वो मुझे भी काटते, लेकिन आप जब योग करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आप 99% कम्युनिकेटिव डिजीज से भी बच जाते हैं। ये नॉन कम्युनिकेटिव डिजीज के लिए तो है ही योग, कम्युनिकेटिव डिजीज। मेरे को कभी भी ये अलग अलग तरह के जो कम्युनिकेटिव डिजीज है ना, कितने लोग सर्दी जुकाम वाले मेरे आस पड़ोस में घूमते रहते हैं। आपको स्ट्रॉन्ग होना है, दुनिया की प्रॉब्लम्स को आप पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, क्राइसिस, डिजीज, सब कुछ रहेगा इस दुनिया में, लेकिन आपको नहीं होगा इफ यू आर डूइंग योगा। यह है बड़ी बात। इसलिए कह रहा था मैं, तो ये कपालभाति के बाद ये बाह्य प्राणायाम करके पेट को हल्का बना लेना, अग्निसार करना,
अग्निसार में पूरा टमी डांस हो जाता है। योगी का पेट तो इतना हल्का होना चाहिए, योगी का पेट घूमे तो सारी दुनिया उसके पीछे घूमने लगे, ऐसा होना चाहिए योगी का। बाद में तो नोली क्रिया हो जाती है, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दोनों तरफ से घुमाते हैं, बीच में निकालते हैं, बाएं से घुमाया, दाएं से घुमाते हैं, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, का उसकी बॉडी पर, उसके माइंड पर, थॉट प्रोसेस पर, इमोशंस पर, एक्शंस पर फुल कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। क्या बोला मैंने, बोलो जोर से। योगी तो सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है और उसका कंट्रोल कितना रहता है, देखो योगी का ऐसा कंट्रोल होना चाहिए कि एक सेकंड में घर जाके कर लेना, इतना कंट्रोल होना चाहिए बॉडी पर, माइंड पर, थॉट्स पर, इमोशंस पर, एक्शन पर, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव पर पूर्ण नियंत्रण। देखो तीन तरह का जीवन होता है, एक निम्न कोटि का जीवन लोअर कॉन्शियस, एक सामान्य कोटि का जीवन, एक दिव्य कोटि का जीवन हायर कॉन्शियस, डिवाइन कॉन्शियस। योगी हमेशा हायर कॉन्शियस में जीता है, उसकी चेतना अपलिफ्ट हो जाती है, वो बुरा सोचता ही नहीं है, वो बुरा देखता ही नहीं है, बुरा सुनता ही नहीं है, बुरा आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव अशुभ का बीज नाश हो जाता है योगी में। ये बाह्य प्राणायाम, फिर एक उज्जाई, देखो ऐसे थ्री टू फाइव टाइम्स ये करना, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, भर के रोके रखा, भर के रोक के रखा, ऐसे एक से दो मिनट, वन टू टू मिनट यू कैन होल्ड द ब्रेथ इनसाइड। मैं ढाई टू एंड हाफ मिनट में होल्ड करता हूं, ऐसे रोक के, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ते हैं। सबको हाफ मिनट टू वन मिनट ब्रेथ को होल्ड करना है, इससे आपकी प्राण शक्ति सबल होती है।
मैं 2.5 मिनट ऐसे ब्रेथ को होल्ड करके रखता हूँ और आप देखते हो मैं दिसंबर जनवरी महीने में भी कोई गर्म कपड़ा नहीं पहनता हूं। गर्मी कहां है, भीतर है कि बाहर? गर्मी भीतर है। अब भीतर गर्मी है नहीं, बाहर से 5-5 लोग कपड़े पहनते हैं, नीचे बनियान, फिर इनार, फिर ऊपर स्वेटर, फिर ऊपर कोट, फिर ऊपर कंबल, और उसमें भी ठंड लग रही। क्या मतलब हुआ? शक्ति, एनर्जी, पावर, मेडिसिन, पीस, एवरीथिंग इज इनसाइड। दिस इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ योगा। हाँ, अंदर है। चलो एक बार होल्ड करो सब, आधा मिनट से एक मिनट सबको होल्ड करना है। सब रोको, ये चैलेंज है खुद का खुद से, सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिलैक्सेशन। ऐसे प्रैक्टिस करके 1 से 2 मिनट तक होल्ड करना, फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से ब्रेथ को, एक्सहेल किया। ये थायराइड के लिए, यू कैन क्योर योर थायराइड प्रॉब्लम, यू कैन क्योर योर बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैरालिसिस, एस्थमा, आर्थराइटिस। You can cure your disease. You can control your disease through your practice. The yoga is prevention. Yoga is primary prevention. Yoga is secondary prevention. Yoga is control, controlling of your disease. Yoga, through yoga you can cure your disease. तो आओ अनुलोम विलोम करते हैं। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ो, लय के साथ करना। रुकना नहीं, लंबा लेना, लंबा छोड़ना। 5 मिनट्स, द वन राउंड ऑफ अनुलोम विलोम इज 5 मिनट। कपाल भाती, अनुलोम विलोम, 1 राउंड, 5 मिनट्स। जरा मेरी बातों को गौर से सुनना भी, प्राणायाम करते करते। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, प्राण विद्या है, ज्ञान है, प्राण इज नॉलेज। यंगस्टर्स के लिए, प्राण इज एनर्जी, प्राण इज पावर। प्राण मीन्स ब्रेथ, ब्रेथ इज नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स, ब्रेथ इज एनर्जी, ब्रेथ इज पावर फॉर यंगस्टर्स। ब्रेथ, प्राण इज मेडिसिन। अवातवाही भीषजम विवातवाही यद्रपः त्वम हि विश्व भीषजो देवानाम दूतैयसे। प्राण, ब्रेथ इज ए मेडिकेशन फॉर ए डिजीज पर, फॉर एल पर्सन। प्राण इज कंप्लीट मेडिकेशन। अब ये वेद वाक्य है और इसके पीछे विज्ञान है। अनुलोम विलोम कंटिन्यू करो, डोंट ड्रॉप इट, डू कंटिन्यूअसली ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग। लेफ्ट चंद्रस्वर, राइट सूर्य स्वर, अनुलोम विलोम, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, ईड़ा पिंगला एंड बीच में सुषुम्ना, गंगा यमुना सरस्वती। 72 करोड़ 72 लाख 10,000 201 नाड़ियाँ इसे अपने आप स्वस्थ हो जाए।
अष्टचक्र नौ द्वार जागृत हो जाएंगे, पंचकोश अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, पंच महाभूत पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय अंतःकरण चतुष्टय, एक एक सेल जीन्स क्रोमोजोम्स डीएनए से लेकर के उनसे बनने वाले टिश्यू ऑर्गन्स पूरा सिस्टम रिप्रोडक्टिव ऑक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव स्केलेटरी सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक सिस्टम वॉलंटरी सिस्टम ऑटोनॉमिक सिस्टम पूरा बैलेंस होगा अनुलोम विलोम से, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का बैलेंस, बैलेंस ऑफ थॉट्स बैलेंस ऑफ इमोशंस बैलेंस ऑफ एक्शन बैलेंस ऑफ लाइफ, संतुलन बैलेंस इज हेल्थ एंड इम्बैलेंस इज इलनेस। सब कुछ ऑर्डर में रहेगा योग से। सब करेंगे कीप साइलेंस, साइलेंस इज योग, एक्शन इज योग, मौन भी योग है, कर्म भी योग है। कंटिन्यू करते रहेंगे, इससे मस्तिष्क इतना तीव्र हो जाता है, मेमोरी इतनी शार्प हो जाती है, जो बच्चे 4 घंटे में याद नहीं कर पाते वो 40 मिनट में याद कर लेते हैं। ये टाइम की सेविंग है, टाइम की बर्बादी नहीं है योग करना, दिस इज द सेविंग ऑफ टाइम। मैंने योग किया, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा चाहे गुरुकुल में पढ़ा, अब तो मैं यूनिवर्सिटी का चांसलर हूं, चाहे मैंने योग किया चाहे आयुर्वेद किया जो किया प्रथम कोटि का, योग करने वाला द्वितीय कोटि का होता ही नहीं है, दोयम दर्जे का दूसरे दर्जे का होता ही नहीं है, योग करने वाला प्रथम कोटि का होता है। योग से वो सामर्थ्य पैदा होता है हमारे भीतर। कंटिन्यू करना है, अभ्यास नहीं है तो भी अभ्यास करना है। मैं बोलता हूं, मैंने कुछ शब्दों को सबसे अधिक महत्व दिया है, वन इज प्रैक्टिस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ, प्रैक्टिस अभ्यास। बुरे अभ्यास इच्छा होने पर भी मत करो, देर से उठने का अभ्यास, ज्यादा सोने का अभ्यास, ज्यादा खाने का अभ्यास, ज्यादा बोलने का अभ्यास, बीड़ी सिगरेट पीने का अभ्यास, बुरे अभ्यास, झगड़ा करने का अभ्यास, बैर करने का अभ्यास, ये सब अभ्यास है। प्रैक्टिस इज लाइफ एंड लाइफ इज प्रैक्टिस। बुरे अभ्यास बुरी आदत इच्छा होने पर भी मत करना, और अच्छी आदत अच्छे अभ्यास इच्छा ना होने पर भी करो, इच्छा नहीं है तो भी करो। अनुलोम विलोम है, इच्छा नहीं है तो भी करो। अभ्यास संकल्प विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, ये मेरे कुछ बड़े शब्द हैं। समग्रता इंक्लूसिव हॉलिस्टिक अप्रोच बैलेंस अप्रोच, सम्यक दृष्टि सम्यक कृति, मति भक्ति कृति, यही है हमारी मूल प्रकृति और मूल संस्कृति। सम्यक मति सम्यक भक्ति सम्यक कृति, ज्ञान शक्ति भाव शक्ति क्रिया शक्ति, यही ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग, इसी में हठ योग लय योग मंत्र योग कुंडलिनी योग अष्टांग योग राजयोग सब यही है। अनुलोम विलोम फाइव मिनट्स ऐसे करना, रिलैक्स, दोनों हाथ कंधों पर रखिए, गोल घुमाइए ऐसे। अभी हमने किया अनुलोम विलोम, क्या किया बोलो, जोर से बोलो और जोर से बोलो, अनुलोम विलोम और कपाल भाती योग, ये शब्द अब पूरी दुनिया की जुबान पर हैं। पहले लोग भोग के शब्द बहुत जानते थे, उल्टे पुल्टे शब्द बहुत प्रचलित हो गए थे दुनिया में, पहले दुनिया में सेक्स शब्द सबसे ज्यादा प्रचलित था, अब
दुनिया में सेक्स शब्द से भी ज्यादा प्रचलित शब्द योग हो गया। भोग को योग ने पराजित कर दिया। यह है योग की महिमा। पहले लोग करते थे भोगो भोगो भोगो, भोगते भोगते भागते भागते, अब योग की शरण में आए हैं। योगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये है, रिलैक्स हो जाना ऐसे, ये करना, थोड़ा ऐसे कर लेना, ये तो सब कर सकते ना, बड़ा इजी है सब। योग करना है। अब लोग बोलते हैं योग से क्या होगा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ योगा, व्हाट विल बी हैपन थ्रू योगा। सुनो, योग से क्या होगा, दिस इज नॉट क्वेश्चन, योग से क्या नहीं होगा। देखो, गोल गोल घुमा रहे, तो ऊपर की एक्सरसाइज हो गई। इतनी सूक्ष्म व्यायाम, थोड़ा पैरों को तलवों से मिला लो, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम भी कर लेना, इसी से क्या क्या होगा जरा गौर से सुनना। ये योग की महिमा है, क्योंकि सबको पता है योगी व्यक्ति जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। और स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा है। स्वामी रामदेव ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध के नाम पर झगड़े नहीं करवाए। स्वामी रामदेव ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित के नाम पर, देशों के नाम पर, धर्म के नाम पर, स्त्री पुरुषों के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि झगड़ते लोगों को योग से जोड़ा है। ये योग की महिमा है। योग जोड़ने वाला है, भोग तोड़ने वाला है। ये हमारा शांति और सद्भाव हमारा स्वभाव है। पीस, हार्मनी, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, ब्रदरहुड, दिस इज द बेसिक नेचर और कल्चर ऑफ इंडिया। इसके लिए हमें किसी के संदेश की जरूरत नहीं है, किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है। ये तो हमारा स्वभाव है, ये तो हमारी प्रकृति है, यही हमारी संस्कृति है। जरा घुमाओ आगे पीछे, चक्की चलाओ, कितना इजी है ना, ऐसे। किसी किसी के ट्रैफिक जाम है इधर, बाबा जी पूरा आगे नहीं आया। देखो आगे इतना 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 आगे, पीछे इतना पीछे। अब कोई ज्यादा पीछे जाता है तो गाड़ी पर डर जाएंगे। तो कंट्रोल, कंट्रोल में सब कुछ, वेट, बीपी, शुगर, सब कुछ। तो योग का बेनिफिट, योग से ही दुनिया में शांति आएगी। वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी का एकमात्र साधन योग है। चलो ये करो, ऐसे ऐसे, कितना अच्छा है ना। लंबा लंबा श्वास, पड़ोसियों का ख्याल रखना, कभी ऐसे किया पड़ोसी को जाकर चाटा लगा, ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे। ये पेट हल्का हो जाएगा, शरीर हल्का हो जाएगा, लंबे लंबे श्वास। देखो योग के फायदे बता रहा हूं, हिंसा, वायलेंस, मॉब लिंचिंग, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, हेट, घृणा, नफरत, द सॉल्यूशन योगा, योग सॉल्यूशन है। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, एक, दोनों हाथ ऊपर, दो, आगे झुक जाओ, माथा घुटनों से लगाओ, लगा, कोशिश करो, ट्राई टू टच योर फोरहेड, माथे को घुटनों से लगा, छुआ, फिर हाथ ऊपर, ऐसे करो थोड़ा थोड़ा, बनी बात, इतना तो कंट्रोल होना चाहिए। देखो
योगी का तो इतना कंट्रोल होता है, पद्मासन में बैठ के ऐसे कर लो। थोड़ा थोड़ा करने में ही तुम डर रहे हो। फुल कंट्रोल, फुल कंट्रोल, नो कंट्रोवर्सी। सुनो, फिर से बटरफ्लाई करो। ये घुटना जमीन पर टिक रहा है, ये घुटना जमीन पर टिकना चाहिए। कुछ तो ऊपर ऊपर ही उड़ रहे हैं। नीचे बनी बात, ऐसे। तो योग का बेनिफिट, वायलेंस फ्री, हेट फ्री, टेररिज्म फ्री वर्ल्ड योग से होगा। किससे होगा बोलो? डिजीज फ्री वर्ल्ड किससे होगा बोलो? ड्रग फ्री वर्ल्ड किससे होगा? हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, व्यभिचार मुक्त देश और दुनिया किससे होगा बोलो? करप्शन फ्री इंडिया, करप्शन फ्री वर्ल्ड किससे होगा? ये जो चारों तरफ करैक्टर की प्रॉब्लम आ गई है, करैक्टर की प्रॉब्लम आ गई है, करप्शन की प्रॉब्लम आ गई है, लोगों का करैक्टर गड़बड़ हो रहा है, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, ये जितने भी बुरी चीजें हैं, योग से, हाँ, योग से ठीक होगा। बैठो फिर से, कोई भी एक आसन में बैठो। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ रुपए दवाओं पर, लाखों करोड़ रुपए नशे में, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ रुपए हथियारों में, नक्सलवाद में, आतंकवाद में और तमाम तरह के संसार के अंदर बुरी चीजों में बर्बाद हो रहे हैं। जिस दिन पूरी दुनिया योग करना शुरू कर देगी, दुनिया में टेररिज्म नहीं होगा, पूरी दुनिया में वायलेंस नहीं होगी, दुनिया में वार नहीं होगा, वार नहीं होगा। योग, योग, योग एक मार्ग है। ऐसा है योग है। चलो अनुलोम विलोम हो गया, एक बार फिर से करो थोड़ी देर, फिर भ्रामरी उद्गीत ध्यान करेंगे, फिर आगे योग में चलते। आओ अनुलोम विलोम करते, अनुलोम विलोम ऐसे शांति से करना। ये सॉफ्ट पावर है वर्ल्ड की, स्पिरिचुअल पावर। लोग पॉलिटिकल पावर, लोग अलग अलग हथियारों की, अस्त्र शस्त्रों की, परमाणु बम की पावर के ऊपर गर्व कर रहे हैं। ना मेरे भाई, वेपन्स की जो पावर है, एटम बम की जो पावर है, पॉलिटिक्स की, इकोनॉमिक पावर है, अलग अलग प्रकार की जो पावर है, उन पावर्स में प्योरिटी नहीं होती है यदि योग नहीं हो।